राजधानी के छत्रसाल स्टेडियम में राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह परंपरागत तरीके से पूरे उत्साह के साथ रविवार को मनाया गया। दिल्ली के विभिन्न स्कूलों, एनसीसी, एनएसएस, होमगार्ड और दिल्ली पुलिस के जवानों ने परेड में दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग को सलामी दी। उपराज्यपाल नजीब जंग ने स्टेडियम में गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए दिल्ली की जनता से आग्रह किया है कि दिल्ली के लोगों के लिए मैत्रीपूर्ण, महिलाओं के लिए सुरक्षित और संवेदनशील शहर बनाएं। उन्होंने कहा कि बेघरों को आश्रय प्रदान करना सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। मैं सभी नागरिकों से अनुरोध करता हूं कि वे दिल्ली के लोगों के लिए एक मैत्रीपूर्ण, महिलाओं के लिए सुरक्षित एवं संवेदनशील शहर बनाएं। बेघरों के लिए आश्रय उपलब्ध कराना सरकार की एक मुख्य प्राथमिकता है। इस दिशा में शहर के अनेक रैन बसेरे घर बेघर लोगों की अच्छी तरह से देखभाल कर रहे हैं। इस मौके पर स्कूली विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। स्टेडियम में स्वच्छ भारत अभियान का संदेश भी बच्चों ने अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम में कुछ यूं पेश किया। छत्रसाल स्टेडियम में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में विभिन्न स्कूली बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। विभिन्न राज्यों के यहां झलकियां देखने को मिली। मानो कि मिनी इंडिया दिल्ली के स्टेडियम में पहुंच गया हो। दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली की जनता से अपील की है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में ज्यादा संख्या में लोग घरों से बाहर निकले और 7 फरवरी को ज्यादा संख्या में वोट करें। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज दिल्ली।